प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर, ये वो कार्यक्रम है जो शुक्रवार को बड़ा वाला, और आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है आकाश। ये हैं सूरत गुजरात से, पर वस्तुतः अभी जॉर्जिया यूएसए में रहते हैं, वहाँ से इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है मुझे इनकी कुंडली के अध्ययन के लिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, देखते हैं। ये वो कार्यक्रम है जिसके दो हिस्से बनते हैं, ये पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा शनिवार को कल प्रसारित किया जाएगा। आइए सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि पंचांग जो है वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और वो कुंडली के आधारभूत फल देने के परिणाम को तय करता है कि कौन से ग्रह कितना एक्टिव होकर के और कितना परिणाम देने वाले हैं। वो बेस बनाता है कि आपकी कुंडली कितनी अच्छी बन रही है और कितनी बुरी बन रही है, या चाहे कैसी बन रही है। १९९४ के ये जन्मे हैं, श्रावण माह में इनका जन्म हुआ है, आषाढ़ और श्रावण का, ये बड़ा अच्छा होगा जहां व्यक्ति संतुलित होकर के काम करता है, न तो खुश में सुख में खुशी और ना तो दुख में दुखी, सम दुख सुख चिता गीता में भगवान ने बात कही है। एकदम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना जहां ना तो सुख उसको प्रभावित करे ना तो दुख उसको प्रभावित करे। पर ये चीजें कितनी लागू होती हैं जातक के जीवन पे, मतलब बेसिकली तो व्यक्ति को ऐसा ही बनना चाहिए, वस्तुतः ऐसा ही होना चाहिए, पर यह है कितना आगे बताते हैं। दक्षिणायन में जन्म, इस वजह से आत्मबल की कमजोरी हो सकती है, धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ा है जैसे कि ये गए हैं। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो कुछ वर्ष जो बीतते हैं जीवन के आरंभ वाले, वो कष्ट से युक्त होकर के जीते हैं और बीतते हैं, जहां व्यक्ति को धन के लिए, धर्म के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लड़ना पड़ता है, परिस्थितियों से जूझना भी पड़ता है, और जीवन में साहस बिना काम नहीं चलता, साहस आपको रखना होगा, पराक्रमी बनना होता है। वर्षा ऋतु में जन्म होने से, जो इनका पंचांग है उसमें वर्षा ऋतु का जन्म होना, इस वजह से व्यक्ति को जो है वो दिमाग में कई तरह की चीजें चलती रहती हैं, जहां आप कई तरह के विचार पालते रहते हैं और विचारों के उत्पत्ति यानी कि विचारों की जो उत्पादन शक्ति होती है वो बड़ी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर विचार बहुत ज्यादा बन रहे हों तो उसको लेकर के चिंतित होने जैसी कोई विशेष बात नहीं है, मैं समझता हूं। रविवार कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि, मुझे देखिए, कहीं नहीं देखिए, बिल्कुल मुझे देखिए। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के जन्म होने से चंद्रमा यहाँ बलि हो जाएंगे, शुभग्रह होंगे, इस कारण से व्यक्ति को एक संतुलित आय वाली नौकरी मिल जाती है जीवन में, जिसके सहारे वो नौकरी करता रहता है। कहने का मतलब यह है कि वो अगर सरकारी नौकरी भी करने का प्रयास करता तो संभवतया उसको थोड़ी बहुत मशक्कत से मिल जाती चीजें, और धन की स्थिति एक रेगुलराइज बेसिस पे मिल जाती है, मतलब ये एक अच्छी बात है धन के मामले में। जहां चंद्रमा अगर शुभग्रह होंगे तो जीवन में जितनी भी समस्याएं बन रही होती, जैसे दक्षिणायन में इनका जन्म है तो ये और भी ज्यादा कठिन और कठोर हो जाती बात, लेकिन चूंकि यहां पर चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं तो ये एक अच्छी बात होगी। रविवार के जन्म होने के कारण, मैंने ये बात और श्लोक कई बार ग्रंथ में कार्यक्रम में भी कही का बोला हुआ है, पिताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, इसका मतलब कि पीत वर्ण पीली गोराई दिए हुए रक्तिम वर्ण का होता है, लाल और पीले का संगम होता है, व्यक्ति जो होता है वो सुचारू रूप से किसी भी काम को करने वाला होता है और थोड़ा क्रोधी होता है, उन्मादी होता है, पर जिम्मेदारी उसके पास हमेशा ही रहती है, कई लोग उसका लाभ उठाने के लिए हमेशा उससे चिपके रहते हैं और उसको निभाना भी पड़ता है। रविवार के जन्म होने से पिता और माता का संपूर्ण लाभ व्यक्ति प्राप्त करता है, स्थिति अच्छी होती है, उसे कमजोर नहीं कहा जा सकता। भरणी नक्षत्र में जन्म होने से व्यक्ति भरा पूरा है और जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको लाभ ही देता है, उसको नुकसान नहीं होता है, और मैं जहां तक समझता हूं कि यह नक्षत्र शुभग्रह का नक्षत्र है, जहां व्यक्ति संपूर्ण संतुलन को कायम रखने में हमेशा ही सफल होता है और बेहतर परिस्थिति को प्राप्त करने वाला हो जाता है। पंचभूत और पंच महाभूत होते हैं, जैसे सूर्य जो ये इनकी कुंडली सिंह लग्न की है, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 नंबर, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा रोक करके अगर चर्चा करूं तो ये वो सूर्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर उसकी, मतलब ये
काल पुरुष की आत्मा है, भगवान की आत्मा। और वस्तुतः इनके जो सात घोड़े हैं वो सात घोड़े नहीं है, वस्तुतः आपने चित्र में जो है वो देखे होंगे सात रथ में सात घोड़े जुटे हुए हैं, पर वो घोड़े ना होकर के वो सात प्रकार की रश्मियां हैं। ये है, वो घोड़े नहीं है, वस्तुतः उनका जो है वो संबंध घोड़ों से बनाया गया है, पर वस्तुतः वो घोड़े नहीं है, वो सातों प्रकार की सात रश्मियां हैं। बैनिया पिनाला वाली जो बात होती है आप लोगों ने पढ़ी होगी बात, वो है। तो भरणी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र, जहां व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा, चाहे दाम्पत्य के सूत्र में हो, चाहे जिस भी किसी कंपनी में जुड़े, उसको लाभ पहुंचा देता है। गंड योग ये थोड़ा कमजोर, जहां व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के चित्त को, व्यक्ति के नुकसान को, व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभाव में नुकसान में रखता है, और कई बार व्यक्ति को चिंतित करता है। जहां कुछ भी चिंता वाली बात नहीं है वहां से भी व्यक्ति जो है वो बेवजह चिंता उठा करके अपने माथे पे रख लेता है। जहां विचार नहीं करना चाहिए वहां भी ये विचार कर लेता है, और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात नहीं है। तैतिल कर्ण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति पराक्रमी होगा, बलशाली है, बुद्धिमान है, धैर्य से युक्त नहीं है, धैर्यहीन है, इस वजह से कई बार क्रोध ज्यादा हो जाता है। 16 कलाओं से निपुण है, मतलब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य और प्रमाद है, आलस्य है, विशेष गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी कई बार उसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाता है। ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली के पंचांग में देखने के बाद जब आप इनकी कुंडली के पंचांग को और भी निकटता से समझने का प्रयास करेंगे तो क्या चीज सामने आती है। इस पंचांग में सबसे जो अच्छी बात बनेगी, रविवार का जन्म, श्रावण माह का जन्म, चंद्रमा का शुभ ग्रह बनना, और साथ ही साथ व्यक्ति का जो है वो जन्म मनुष्य गण और क्षत्रिय वर्ण में हुआ, ये थोड़ा सा व्यक्ति को, व्यक्ति के जीवन में मनुष्यता लाने का काम करते हैं। दैवत्व का गुण थोड़ा कम सा रहता है, मनुष्यता ज्यादा रहती है। जैसे क्योंकि मनुष्य जो होता है वो ईर्ष्यालु भी होता है, द्वेषी भी होता है, जलन भी होती है, उसके शरीर से दुर्गंध भी है, वो मनुष्यता के लक्षण उसमें देखने को मिल जाते हैं, जहां वो प्रत्येक प्रकार की चीजों को समाहित करके बैठा हुआ होता है। पर इस कुंडली को पंचांग में समझने के बाद आप जब इनकी कुंडली को देखेंगे, जैसे कि इला श्रीवास्तव जी कहती हैं कि आप जब कुंडली के पांच अच्छी चीजें बताते हो वो बड़ा अच्छा होता है, और वो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इनकी कुंडली की पांच सबसे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो ये सिंह लग्न की कुंडली बनी है, ये सबसे अच्छी बात है। ये स्थिर लग्न और क्षत्रिय वर्ण का ये लग्न बना है। व्यक्ति जो है वो पराक्रमी है, बलशाली है, बुद्धिमान है, शंकालु है, संदेह करने वाला है, चिंतित है, हमेशा चिंतित रहने वाला, किसी को भी प्रभावित जल्दी कर देने वाला अपने प्रभावों से, और तुरंत ही निगेटिव अप्रोच करने वाला होता है, संदेह करने वाला होता है, अच्छी चीजों में भी कुछ निगेटिव चीजें निकाल लेता है। बलशाली है, मतलब बल उसके पास है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है, पर खाने के बाद, भोजन के बाद आलस्य की स्थिति भी है, और धीरे धीरे उसके काम प्रायः स्थिरता से होते रहते हैं। और ये अग्नि तत्व का लग्न होता है, जिसके कारण व्यक्ति में उग्रता, व्यग्रता, चंचलता, चपलता ज्यादा होती है, या फिर वो जल्दी ही उद्वेगी हो जाता है। ये एक सामान्य लक्षण है। वनों में विचरण करने वाला, जंगलों में रहने वाला, जैसे सिंह होता है राजा और राजसिक, राजा का लाभ लेने वाला, किसी भी तरीके से राजसिक गुणों का संपन्न और संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करने वाला, ये तो लग्न की बात है। पर जब आप इनकी कुंडली में अच्छी चीजें ढूंढते हैं तो सबसे अच्छी बात तो सिंह लग्न, दूसरी सबसे अच्छी बात गौर से देखिए, चंद्रमा से बुध केंद्र में है, चंद्रमा से बुध केंद्र में है, और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उनसे एक घर आगे बैठा है, और वो जरा गौर से देखिएगा तो किसी भी उस पर पापक ग्रह का प्रभाव नहीं है। मतलब कि आपकी कुंडली के राशि के अधिपति के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या किसी पापक ग्रह का प्रभाव है? अगर उस पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो ये एक कमजोरी वाली बात हो जाती है, लेकिन अगर उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो भी एक सामान्य सी बात है। इस पर जरा गौर करिए तो इससे चतुर्थस्थ शुक्र बैठे हैं जो कि इस भाव को बल देंगे, लेकिन वहीं पे अगर मैं आगे भूल जाऊं पर ये बात अभी बता दूं, तो यहाँ पे मंगल का शुक्र को देखना बहुत अच्छा नहीं होगा, या यही मंगल अगर शुक्र के साथ बैठ जाते या शुक्र के साथ मंगल भी बैठ जाते तो ये बात अच्छी नहीं होती, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा योग कारक और कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन शुक्र इनकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति होकर के तृतीयेश होते हैं, जहां अगर
गौर से समझिए तो आप लोग यही जानते होंगे कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए अगर धर्म भाव का अधिपति मंगल और दशम स्थान का अधिपति शुक्र अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो ये धर्म कर्माधिपति योग बन जाएगा। पर वस्तुतः ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों यहां अच्छे नहीं होंगे एक साथ बैठने पे, और ना तो इनकी दृष्टि और ना तो इनकी युतियां अच्छी नहीं होंगी। इसका मतलब है कि मंगल और शुक्र का बैठना यहां ठीक नहीं होगा। जातक को बहुत ज्यादा कामुक बना देने वाला, या मतलब कार्मिक नेचर से अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा अपील करने वाला हो जाता है, उसकी अपीलिंग जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ये एक तरीके से, या व्यय करता है कई बार। तो ये पहली बात कि चंद्रमा से मंगल नजदीक बैठे हैं, चंद्रमा से बुध नजदीक बैठे हैं, मतलब केंद्र में बैठे हैं। इस पे दो चीजें दो बातें लागू होती हैं। मैंने क्या बात कही थी कि चंद्रमा से बुध जब भी केंद्र में जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को लेकर के, और व्यक्ति के चिंता के और व्यक्ति को उग्र बनाने के मामले में, मतलब उसके जो निर्णय लेने के जो प्रभाव होते हैं या क्रोध की स्थिति वो बड़ी ही ज्यादा हो जाती है। ऐसा है क्योंकि एक तो पहले से मेष राशि और दूसरी से मलग्न, तो यहां पे तो क्रोध वैसे भी ज्यादा है, लेकिन चंद्रमा से बुध के केंद्र में जाने से चौथे दसवें का संबंध केंद्र का कहा जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ये चौथे दसवें का जो संबंध बनेगा वो व्यक्ति को उग्र, व्यग्र और साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। क्लियर है? लेकिन ये एक निगेटिव होने के साथ साथ इसकी एक बहुत अच्छी बात ये होगी, सूत्र ये है कि द्वितीय भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, द्वितीय भाव के अधिपति जब चंद्रमा से केंद्र में होते हों तो ये धन योग बन जाता है और इसे धनाढ्य कहा जाता है। धनाढ्य वर्ग में, धन धनिक वर्ग में व्यक्ति पहचान बनाने वाला होता है, ये इनकी कुंडली में अच्छी बात है। ये तीसरी अच्छी बात है, पहली अच्छी बात सिंह लग्न का बनना, दूसरी अच्छी बात चंद्रमा का मंगल से नजदीक बैठा होना, तीसरी अच्छी बात चंद्रमा से धन भाव के अधिपति बुध का चौथे बैठा होना, चौथी अच्छी बात इस कुंडली में शुक्र जो बैठे हैं वो लग्न में बैठे हैं जो लक्ष्मी संपन्न योग बनाएंगे, ये चौथी अच्छी बात हो सकती है। पर इससे बहुत ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के जो अधिपति हैं, ध्यान से समझिएगा, जो पंचम भाव के अधिपति हैं वो पंचमेश भी इस कुंडली में चंद्रमा से देखे जा रहे हैं, या गुरु जो पंचम भाव के अधिपति हैं वो 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा को देख रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा और उसके ऊपर सही तरीके से धन का सही तरीके से संयोजन करने का प्रभाव रहता है। वो धन को कभी भी गलत तरीके से और निंदनीय जगह पे खर्च नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी कुंडली में धन कहां जा रहा है। वस्तुतः जब हम इसी चीज को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये बात भी लागू होती है कि गुरु के साथ राहु बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार भाग्योदय में समस्या हो जाती है, धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, जैसे कि ये गए हैं, ये इसी के कारण हुआ है, भाग्य का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर चंद्रमा और केतु के ग्रहण में होने के कारण कई बार दाम्पत्य में परेशानी, छोटे भाई बहनों से दूरी और वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, ये स्थितियां हो सकती हैं। पर इसका एक अलग लाभ मैंने जो कहा कि व्यक्ति धार्मिक है, पुरुषार्थी है, अपने बल पर पैसा कमाना चाहता है, वो किसी के सहारे नहीं जीना चाहता और उसको अपने ही द्वारा कमाए गए धन पे भरोसा भी है, अपने ही पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पे उसको धन कमाने का अवसर प्राप्त होता रहता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और दिग्बली मंगल यहाँ पे, जो कि इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक और इस कुंडली में सबसे ज्यादा सफलतम परिणाम करने वाले बनते हैं, वो ग्रह दिग्बली है, अपने नक्षत्र में बैठा है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति को उग्र बना देगा और लग्न पे मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से धर्म का प्रभाव जातक के जीवन में हमेशा ही बना रहेगा। व्यक्ति पिता और माता का सुख संपूर्ण भोग लेता है। 36वें वर्ष के बाद और मंगल की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। मंगल की दशा में व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त करता है। मंगल की दशा उसके लिए बहुत ही ज्यादा यथेष्ट और श्रेष्ठ साबित होती है। ये इतनी सी बातें हैं, ये इनकी कुंडली के पंचांग की बात मैंने करी, जहां मैंने कुछ अच्छी चीजें बताई। पर पांचवी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, जरा विचार करिए। पांचवी सबसे अच्छी बात वो ये है कि व्यक्ति की कुंडली में धन भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति का एक साथ विदेश भाव में जाकर के बैठा होना। इसका सीधा सा मतलब है, जातक के जीवन को जब आप कुंडली से कंपेरिजन में रखते हैं, जब दोनों की तुलना करते हैं, हम कई बार निर्णय सुना देते हैं। जैसे मेरे पास, आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं।
जातक जाति का बुलंदशहर यूपी की, उनकी शादी होती है, उससे उस उनकी जो है वो विवाह की स्थिति टूट जाती है, वो पति किसी दूसरे को प्रेम करता है, इस वजह से वो उसको लेकर के चला जाता है बिना तलाक दिए। ये जाति का उलझ जाती है। उसके बाद इनकी माताजी का जो है वो माताजी को पोलियो या लकवा बोलते हैं ना उसको, वो हो जाता है और वो बिस्तर पे पड़ जाती है। जातिका के तीन भाई पर तीनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। तीनों भाभियां ये कह के उनको घर से निकाल देती हैं कि कहीं ये हमारे धन पे जो है वो दावा ना करने लगे, तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। और माँ जो है वो बिस्तर पे है, अब उनकी चलती नहीं है, तो अब उसके बाद जो है वो दबाव बनाती है कि नहीं बेटी तुम शादी कर लो। किसी भी तरीके से उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जाती है जहां वो स्वयं तलाकशुदा होता है या बिना तलाक लिए ही इनसे फिर से विवाह कर लेता है, और झूठ का बोल करके कि नहीं मेरी शादी हुई थी पर वो तलाक हो चुकी है, और जबकि उसकी तलाक नहीं हुई होती है। साथ ही साथ इनका जो है वो विवाह जल्दी जल्दी में एक गैर तलाकशुदा, मतलब वो व्यक्ति तलाकशुदा नहीं था, अपील उसकी जो है वो कोर्ट में थी, उससे शादी करा दी जाती है। वो व्यक्ति बिहार का है, बेंगलोर में नौकरी करता है, अच्छे पोस्ट पे है, और इनके जिनके तलाक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इनके दो बच्चे भी हैं पहले पति से, वो तो अपने मजे ले रहे हैं श्रीमंत, पर ये जातिका उन दोनों बच्चों का भार वहन कर रही है। दूसरी शादी जहाँ होती है, अब वो जातक भी वही बोल रहा है, उसका दूसरा पति भी यही बोल रहा है कि मैंने गलती करी, मुझे विवाह नहीं करना चाहिए था, तुम यहां से चली जाओ। ये हमारे भारत की स्थिति है। हाँ, ये त्रिकोणीय प्रेम श्रृंखला है। फिल्म बनाने वालों को एक अच्छी स्टोरी मिल सकती है। आप लोग तो पता नहीं कहां कहां बनाते हो, क्या क्या बना देते हो, ये कुछ बना लिया करो जिससे समाज को कुछ दर्पण मिल सके। ऐसी स्थितियां होती हैं जहां एक छोड़ा नहीं, एक छोड़ दिया, व्यक्ति अब जाए तो जाए कहां, दूसरे को पकड़ा, और वो क्यों छोड़ने को बेताब है, दूसरा पति इसलिए छोड़ने को बेचैन है, क्यों, क्योंकि उसकी माता जी ये कहती हैं कि तू अपने बेटे को, कि तुम किसी दूसरे के खून को क्यों पालोगे, ये दूसरे का खून है। शायद ये मैंने बात पहले भी कभी बताई होगी, उनसे आज मेरी बात हुई, उस समय उनकी अपॉइंटमेंट थी, आज मेरी बात हुई, तो संपूर्ण कहानी मुझे आज पता चली। ये मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें सजग रहने की आवश्यकता है, इन सब चीजों से सीखने की आवश्यकता है। गलतियां बार बार करने से हमारा समाज प्रभावित और प्रकोपित हो सकता है, ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। मैं तो समझता हूं कि उस व्यक्ति की मूर्खता और जड़ता कितनी है जिसने एक बार निर्णय लिए, फिर गलत लिए और गलती पे गलती, और उससे भी ज्यादा गलती तो उस व्यक्ति की है जिसने दामन थामने के बाद वापस फिर से छोड़ने की बात कर रहा है, और वो भी अपने माता के कहने पे। और 70 साल की अवस्था में जाकर के भी अगर ये व्यक्ति इस तरीके का अनुभव अपने बेटे को दे रहा है, तो निसंदेह ये निंदनीय ही है और कुकृत्य ही है। अगर आप दाम्पत्य बचा नहीं सकते तो तोड़ने के बारे में तो विचार ना दिया करो, ये बात है। ये छोटी तो नहीं थी पर थोड़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, पर ये ठीक है, पर ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। चौथी के बाद पांचवी, सूर्य और बुध का जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठना, ये अच्छा भी होता है जहां व्यक्ति को कॉमर्स के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में, कंप्यूटर पर बैठ करके काम करने के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, और डील करने के क्षेत्र में, कन्विंसिंग कैपेसिटी के मामले में व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेटिव होता है, दार्शनिक गुणों को रखने वाला होता है, उसके विचार उत्तम होते हैं और वो निंदनीय नहीं होता। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सूर्य और बुध जब 12वें होते हैं, अब यहाँ पे मैं अपनी बात पलट रहा हूँ, कैसे, मैंने क्या बात कही है कि सूर्य का 12वें और गुरु का त्रिक भाव में जाना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से व्यक्ति क्रोधी है, व्यक्ति जिद्दी है, व्यक्ति हठी है, अपनी बात पे अड़ने वाला है, इस कारण उसकी समस्याएं कई गुना कई बार बढ़ जा सकती हैं, हमें इस पे काम करने की आवश्यकता भी है। ये इनकी कुंडली के आधे से भी कमजोर, मैंने 25% यहां बताया है, अब 75% बचाने को तैयार हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूं। अब यहां से कुंडली की यात्रा शुरू होगी। जिनके बारे में मैंने कहानी सुनाई थी उन्होंने अभी अभी मुझे व्हाट्सएप किया है, ये
कि आचार्य जी आपसे एक निवेदन है, आप YouTube पर मेरी कुंडली का वीडियो जरूर बनाइएगा, जिससे, ध्यान से समझिए, जिससे बिना तलाक लिए कोई भी लड़का या लड़की शादी ना करे। यह मैसेज मैं आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहती हूं। पहले अच्छे तरीके से पता कर लेना, तब विवाह के सूत्र में बंधना। ये बड़ी कष्टदायी स्थिति हो जाती है। शुरू करें अब। सबसे पहले मैं भगवान राम, यानी कि जो हमारी कुंडली में सूर्य के रूप में उपस्थित होते हैं, उनके बारे में चर्चा करता हूं। ये 13 डिग्री 55 कला यानी कि अच्छी स्थिति शनि के नक्षत्र में, उनकी सातवीं दृष्टि यहां, ये अच्छी होगी पर सामान्य होगी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। रोग दे सकती है पर व्यक्ति को कार्य क्षेत्र का लाभ जरूर मिलेगा। और निसंदेह अगर इनकी कुंडली में सूर्य की बात करते हैं तो उससे चंद्रमा केंद्र में ये अच्छा नहीं होता है। मैंने एक कार्यक्रम में करके बात बताई थी कि चंद्रमा से सूर्य का केंद्र में जाना कई बार व्यक्ति को आर्थिक दबावों में हमेशा रखता है। व्यक्ति को खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हमेशा महसूस होती है और उसके धन के निर्गमन के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोनों एक दूसरे से चौथे बैठे हों, 1, 2, 3, 4, तो ये बात आपको दबाव में रखेगी कि आपका व्यय कैसा है, वो असंतुलन में हमेशा रह सकता है। इन्होंने सवाल में भी ये बात पूछी है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा आता है, वो तो मंगल के कारण, और आप सिंह लग्न के हैं, मेष राशि में है, अग्नि तत्व में ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, इस कारण से ऐसा ज्यादा होता है, और चंद्रमा और बुध के प्रभाव के कारण। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी पर उससे राहु केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर रहे। गुरु उससे केंद्र में तो धर्म रहेगा, और इस भाव से एक घर आगे शुक्र का बैठा होना जो व्यक्ति के जीवन को विलासी बनाएगा प्रवृत्ति में, और मंगल के देख लेने के कारण उसमें और भी बल बढ़ जाता है, दम बढ़ जाता है। लेकिन धर्म भाव का अधिपति होकर के मंगल लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश 12वें बैठे हैं धन भाव के अधिपति के साथ, व्यक्ति बाहर ही रह करके धन कमाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। यहां आने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, आप जहां हैं वहीं रहिए। चंद्रमा जन्म कुंडली में भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, ये बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र जन्म कुंडली में नीचा विलासी जरूर हो रहे हैं लेकिन दशम स्थान के अधिपति होकर के लग्न में लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं, और चंद्रमा और शुक्र दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठ रहे हैं, त्रिकोण का भाव बन रहा है, ये जातक के दाम्पत्य को अच्छा रखने वाला बनाए और साथ ही साथ व्यक्ति को धार्मिक और सहिष्णु भी बना देता है, जहां वो प्रत्येक धर्म का सामान्यतया सामान्य तरीके से आदर करते देखा जाता है और उसको चीजें मिल भी जाती हैं। मतलब बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। चंद्रमा का भाग्य भाव में बैठा होना मेष राशि में व्यक्ति के जीवन को संतुलित, व्यक्ति को स्पष्ट नेचर वाला, और ये सर्वजित संवत्सर में जन्मे हैं। मैंने संवत्सर का नाम नहीं बताया था पर अब बता देता हूं, वस्तुतः इनका जो जन्म हुआ है वो 1994 संवत्सर जो होगा वो संवत्सर सर्वजित संवत्सर होगा। इसमें व्यक्ति जितेंद्रिय होता है लेकिन कर्म में जो है वो कामुकता, और कर्म में कामुकता होने के साथ व्यक्ति के इंद्रियों पे बल भी ज्यादा होता है। मतलब वो इंद्रियों के सुख के पीछे भागेगा जरूर। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न में ही शुक्र बैठे हैं जो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और वो सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हैं जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं, अच्छे नहीं होते। यानी कि आप जब गौर करें तो ग्रह, विभिन्न ग्रह कौन कौन से भावों के अधिपति, तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए जो सूर्य होते हैं वो लग्न के अधिपति 12वें, ये कई बार व्यक्ति को तभी नेचर अच्छा मिल पाता है जब वो जन्म स्थान से दूर जाए। उसके बाद चंद्रमा जो है वो धर्म भाव में बैठे हैं, व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रखने वाला ज्यादा बना देंगे, इस वजह से कई बार उसके दुश्मन भी ज्यादा बन जाते हैं। वो कई बार अपनी बात बिल्कुल ही बहुत ही झरोखों को ध्यान में न रखते हुए यूं बोल देता है जिसके कारण उसके दुश्मन बन जाते हैं। उस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है, इस वजह से उसमें धार्मिकता, उसके कारण उसमें अध्यात्म, उसके पास ज्ञान, उसके पास मंत्र जप, उसके पास पूजा पाठ, और ये सारी चीजें नेचर में समाहित हो जाएंगी। क्योंकि चंद्रमा है मन, तो मन में धर्म समा जाए तो धर्म और मन का संयोग हो जाए, ये अच्छी बात है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में दिग्बली, अपने प्रभाव से संपन्न लग्न पे देखने के कारण उग्र बनाएंगे और जल्दबाज प्रवृत्ति का बना देंगे। साथ ही साथ एक और भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेटिव हो जाएगा और तकनीक का जानकार हो जाएगा, खेल में रुचि रखने वाला हो जाएगा, शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में धन कमाने वाला हो जाएगा, गुप्त तरीके से धन कमाने के पीछे आश्रित होने वाला हो जाएगा, कई तरीके से लालच पैदा करने वाला हो जाएगा,
साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने वाला हो जाएगा, अपडेट रहने वाला हो जाएगा, निरंतर क्रियाशीलता उसके अंदर बनी रहेगी और कभी भी थकने वाला नहीं बनेगा। ये इतनी सी बात है। उस मंगल की सातवीं दृष्टि, यहां मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं लेकिन ये 25 डिग्री के हैं, थोड़े ढलान पे हैं। तो थोड़े ढलान पे होने से कई बार व्यक्ति जो है वो काम से तुरंत आए तो तुरंत थक जाए और विस्तर की याद आने लगती है। और खास करके ये बात तब और हो जाती है जब ठीक पीछे ग्रहण लगा हो, मतलब इस मंगल का संपूर्ण प्रभाव यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि इस भाव का व्यय यानी कि जो इसके अधिपति जहाँ के ये अधिपति बनते हैं उस भाव के अधिपति ढलान पे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति को अपने संपूर्ण ऊर्जा का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं हो रहा, या फिर कई बार आप जो हैं वो थोड़े आलस से भी दिखाने वाले हो सकते हैं। और उसके पीछे उसकी पुष्टि इस बात से हो जाएगी कि लग्न में शुक्र बैठे हैं। सूर्य के नक्षत्र में होने से व्यक्ति जो है वो थोड़ा आलसी हो सकता है। सिंह राशि के, सिंह लग्न के लोग जो होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं क्योंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है। सरकार से व्यक्ति को लाभ मिल सकता था, व्यक्ति कई जगहों से धन कमाने के लिए प्रेरित रहेगा और उसको मिल भी जाता है। होटल वगैरह का सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा रहे, रेस्टोरेंट का काम इनके लिए अच्छा रहे, आयुध सेना सैन्य सेवा और जो हथियार वगैरह होता है उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति काम अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकता है। फर्नीचर का काम बहुत आसानी से, फैब्रिकेशन का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, लोहे लकड़ आदि इन सब चीज़ों का कारोबार, आग से संबंधित, कोयले से संबंधित रॉड वगैरह बनाना हो उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति काम आसानी से कर सकता है। फल, लाल फल, अनाज, अनार, ये सब चीज़ें, गाजर, चुकंदर आदि, इन सब लाल आलू, ये सब चीजें व्यक्ति कर सकता है। खाने पीने की सामग्री, रेस्टोरेंट वगैरह, कॉफी चाय वगैरह, ये सब चीजें व्यक्ति आसानी से कर सकता है। ये इनकी कुंडली में बात बनती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ये मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी, यहाँ के लिए जहाँ व्यक्ति को सरकार से लाभ देने के साथ साथ माता का फल, माता का बल, माता से लाभ और माता की आयु, ये सब रहे। लेकिन ठीक इसके पीछे गुरु और राहु माता को कई बार जिद्दी भी बना सकते हैं, या कई बार माता जो होती है वो गर्वीली होती हैं, या कई बार वो थोड़ी क्रुद्ध स्वभाव वाली, या ये जो क्रोध मिला हो, या हो सकता है कि जातक को उसके ननिहाल से मिला हो, ऐसा संभव है। मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत लाभदायक और अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ के अधिपति शुभ ग्रह है। अब जरा ध्यान से समझिए, किसी भी भाव से मैं मंगल पे हूँ पर मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से ये बात बता दे रहा हूँ कि किसी भी भाव के अधिपति अगर वो शुभग्रह बनते हों और अपने भाव से तृतीयस्थ गए हों तो इस भाव का फल कमजोर हो जाता है। और अगर यही कोई शुभग्रह होते और यहाँ ये गुरु यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठे होते तो ये बात और भी अच्छी हो सकती थी। पंचमेश का त्रिक भाव में जाना या दुह स्थान में जाना अच्छा नहीं माना जाता। इसके कारण व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव के अधिपति गुरु को 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा ने देखा है। मैंने क्या सूत्र बताया था, 12वें के अधिपति, 8वें के अधिपति, 6वें के अधिपति, 3रे के अधिपति जब कभी भी किसी भी भाव में बैठ जाते हों तो उस भाव को कमजोर करते हैं। साथ ही साथ इन भावों के अधिपति अगर शुभ भावों में बैठ जाएं या शुभ भाव के अधिपति भी अगर इन भावों में बैठ जाएं तो अच्छी बात होती है। यहाँ पे 12वें के अधिपति भाग्य को कमजोरी भी दे रहे हैं, पंचम के अधिपति त्रिक भाव में बैठ करके व्यक्ति के जीवन के पंचम भाव को कमजोर और पंचमेश को कमजोर भी कर रहे हैं, या पंचम भाव को थोड़ी बहुत कमजोरी, क्योंकि इस वजह से कि पंचम भाव के जो अधिपति गुरु हैं वो राहु के साथ बैठे हैं। क्लियर है। अब इसको और भी निकटता से समझने का प्रयास करते हैं बुध पे आकर के। इस कुंडली के लिए बुध लाभ और धन के अधिपति होकर के अच्छे नहीं होते। धन भाव के अधिपति होने के कारण इस कुंडली में बुध मारक भाव के रूप में या मारक ग्रह के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वो 12वें भाव में बैठ करके व्यक्ति के धन के चिंता, धन के व्यय के चिंता के कारण बनेंगे, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा ही व्यय को लेकर के आसक्त रहने वाला या व्यय को लेकर के चिंतित रहने वाला होगा। उसके पास धन इकट्ठा करने में मशक्कत, मेहनत और कई बार धन कमाने के लिए दूर देश की यात्रा करनी पड़ती है। अब जरा विचार करके देखिए, मैं अपने घर पे रह के काम करता हूँ और कोई जर्मनी में जाकर के अगर पैसे कमा के काम करता हो तो दोनों में अंतर है, और सामान्य सी बात है कि मैं ज्यादा अच्छा हूं उससे किसी भी मामले में। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है और साथ ही साथ व्यक्ति को धन
रोकने में भी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि व्यय करने से पहले उसको समझ ही नहीं आती बात कि वो व्यय कर कहां रहा है, क्योंकि जो व्यय कराने का, अब एक बात बड़ी अद्भुत है, मैंने कई बार ये शायद चौथी बार ये बात बोल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में धन लाने के कारक, वस्तुतः कई ग्रह होते हैं, धन के कारक सूर्य, लक्ष्मी के कारक होते हैं, इस वजह से धन के कारक सूर्य कहे जाते हैं। धन लाने के कारक मेहनत करा करके शनि होते हैं, धन आराम से आ जाए उसके कारक शुक्र होते हैं, धन व्यय कहां हो रहा है, वो गलत जगह पे हो रहा है, सही जगह पे हो रहा है, इसके कारक गुरु होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अगर खराब होंगे, उसके धन को सही जगह पे खर्च होते नहीं देखा जाता है, या हो सकता है कि उसका व्यय असंतुलित सा रहता हो। जैसे गुरु को देखिए, राहु के साथ है और राहु के नक्षत्र में, यहां दोनों ने परिवर्तन भी किया है, तो यहां पे धर्म का लाभ तो मिलेगा, व्यक्ति कई प्रकार से जीवन को कई तरीके से देखना भी चाहता है, व्यय करने के बाद में उसको पश्चाताप का भाव भी होगा, और अपने कुटुंब जनों के कारण वो कई बार परेशान रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कुटुंब भाव के ठीक आगे गुरु और राहु बैठे हैं, तो कुटुंबजन इसका हमेशा लाभ लेने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि धन भाव के अधिपति 12 में, लग्नेश धन भाव के अधिपति के साथ अगर बैठ करके 12 में जाते हो, बाहर से धन जरूर आएगा लेकिन वो धन खर्च होने के लिए बेताब भी रहेगा। और इसके पीछे का मूल कारण यह है कि आपकी कुंडली में गुरु राहु के साथ बैठे हैं। गलत कंपनी में जाने का सलाह भी दे रहा हूं, नहीं करिएगा। गलत लोगों के संपर्क में जाने का प्रभाव विकसित होता है। खुद से मतलब रखिए, बहुत ज्यादा मतलब रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने व्यय को संतुलित करना है तो अपने जो है वो डेली बेसिस के इनकम को देख करके अपना बजट तैयार करने की विशेष आवश्यकता मैं समझ रहा हूं। क्लियर है? ये बात बुद्ध की थी। बुद्ध जो है वो जन्म कुंडली में मैंने चर्चा कर रखी है, ये इतनी सारी चीजें। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु से केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात। तो मैंने व्यय को लेकर के जो बात कही वो बिल्कुल ही समझने लायक है। आप लोग कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, शाम वाला, वो देख के ही जाइएगा और बिल्कुल जरूर देखिएगा, वो बहुत ही समझदारी वाली एक विषय की बात हो जाती है। ये बुद्ध की बात है। बुद्ध की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी होगी, व्यक्ति को व्यवसायिक और सफल व्यक्तित्व का, और साथ ही साथ नेचर जो है वो ऐसा हो जाएगा जो व्यक्ति को शुद्ध, श्रेष्ठ और लाभ और हानि को लेकर के सचेत रहने वाला बना दे। ब्राह्मणों का पूजक हो जाता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, उसकी याददाश्त क्षमता अच्छी होती है, वो समझदार कहा जा सकता है समाज में, और भाग्यशाली भी कहा जा सकता है। ये बात इतनी सी। बुद्ध के बाद गुरु, स्वाति और गुरु का परिवर्तन, मतलब नक्षत्र का, राहु और गुरु का एक साथ बैठना, जहां तृतीय भाव में गुरु तुला राशि के, व्यक्ति को व्यवसाय, व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी, व्यक्ति को दूर देश की यात्रा करने वाला, हमेशा यात्राओं में रहने वाला, घर से दूर जाकर के निसंदेह धन कमाने वाला, धन कमाने के लिए मेहनत करने वाला, माता और पिता को छोड़ करके दूर जाने वाला, 32वें 36वें साल के बाद लाभ की स्थिति में प्राप्त करने वाला, और उसके बाद उत्तरार्ध में जा करके, मतलब एक अवस्था को प्राप्त करने के बाद, जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है वैसे वैसे वो सुख को प्राप्त कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आप आरंभ में थोड़े कष्ट से जी लें, पर बाद में चल करके ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि आपकी कुंडली में गुरु राहु के साथ है और वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बात कही थी कल के कार्यक्रम में कि जब देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ तुला राशि में बैठते हैं, और देव गुरु बृहस्पति तो हर बार यही कहते हैं, हे परमात्मा, वो स्वयं जबकि आपकी कुंडली में साक्षात वामन अवतार बन के उपस्थित होते हैं, सूर्य रामा अवतार, चंद्रमा कृष्ण अवतार, मंगल नरसिंह अवतार होते हैं, बुद्ध जो होते हैं वो साक्षात वामन अवतार, बुद्ध जो होते हैं वो बुद्ध अवतार भगवान बौद्ध होते हैं, बुद्ध भगवान होते हैं, देव गुरु बृहस्पति वामनावतार के रूप में उपस्थित होते हैं, शुक्र जो होते हैं वो परशुराम होते हैं, शनि जो होते हैं वो वाराह अवतार होते हैं। तो इसमें जो है वो देव गुरु बृहस्पति हर बार परमात्मा से यही, जो कि परमात्मा के ही प्रतिनिधि के रूप में, देवताओं के ही मंत्री के रूप में उपस्थित होते हैं, वो यही बात कहते हैं कि हे विधाता, मेरी स्थिति कभी भी शुक्र और राहु के साथ मत बनाना, नहीं तो मैं चाह करके भी, चूंकि गुरु कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो जातक को परेशान करें या उसके लिए लाभकारी उनकी स्थिति न बने, देवगुरु बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहते, उनका नेचर ऐसा है, वो गुरु है ना, वो सबका कल्याण करना चाहते हैं, पर वस्तुतः वो साक्षात नारायण जो स्वयं हमारी कुंडली में गुरु के रूप में उपस्थित होते हैं, जो हमेशा ही, आपने कैसे छला था बलि को,
राजा बलि को भी वैसे छला था जैसे कैसे शुद्ध संत छल देते हैं, तो वैसे छला था उन्होंने, शुद्ध संत बन करके आए भगवान और साक्षात तीन पग में ही समस्त उसका हरण कर लिया था, जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, बिल्कुल सिर्फ तर्क और ज्ञान के बल पर भगवान ने उसके समस्त जो है वो संसाधनों का हरण कर दिया था। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो हमेशा यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करा करके व्यक्ति को दे दूं। तो यहाँ पे वो राहु के संपर्क में आने से जातक को अब किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और वो जो भी जीवन में कष्ट झेल रहा है वो इसी के कारण झेल रहा है। उसके पराक्रम का परिणाम अगर नहीं मिल रहे उसको, उसको अपने प्रभाव में कमजोरी दिख रही है उसको, उसके प्रभाव में उसके व्यय को बहुत ज़्यादा असंतुलित होते देखा जा रहा है, उसके प्रभावों की कमजोरी हो रही है, उसके आय और व्यय का अनुकूल प्रतिकूल होते रहना, ये सारी स्थितियाँ, भाग्य का संपूर्ण लाभ ना हो पाना, इरेगुलर हो जाना, दूर जाना, एक साथ एक चीज़ पे फोकस ना करना, दया का पात्र किसी को न समझना या कई बार खुद को जो है वो निर्दयी बना देना, ये सारी स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के राहु के कारण और राहु के संबंध में जाने के कारण हो जाते हैं। जितनी भी चीजें बुराई के तौर पे आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे उसको आप रख सकते हैं। उनकी पांचवी दृष्टि यहाँ सामान्य पत्नी दार्शनिक होती है, यहाँ पे विषम संख्या की राशि बनी है, थोड़ी सामान्य थी है, सामान्य ही है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर वहां पे गुरु की दृष्टि है जो कि स्वयं इस कुंडली के लिए नवम भाव के पंचम भाव के अधिपति होने के कारण अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं, तो एक तरीके से वो थोड़े कमजोर भी होंगे, पर वहां पे बारहवें भाव के अधिपति, अब जरा ध्यान से समझिए, तो अष्टम भाव के अधिपति गुरु को बारहवें भाव के अधिपति चंद्रमा, कर्क राशि बारहवें भाव की राशि होती है, कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा होते हैं, अष्टम भाव में मीन राशि बनी है जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो बारहवें भाव के अधिपति का संबंध अष्टम भाव के अधिपति से होने से व्यक्ति के जीवन में धन लाभ की स्थिति कई बार व्ययात्मक ज्यादा होती है, मतलब व्यय वो करता है और वो ज्यादा करता है या हो जाता है, जैसे भी कहें, क्योंकि वो बात मैंने बताई गुरु राहु के संपर्क में आने से, गुरु अगर कमजोर भाव में या कमजोर भाव के या राशि में बैठे हों तो व्यक्ति को व्यापारिक सोच का बनाने के बावजूद वो धन बचा नहीं पाता है, ऐसी स्थितियां होती हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी होगी, जहां व्यक्ति को धर्म, धार्मिक पुरोधा, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, धर्म का मान रखने वाला, मर्यादा का पालक और अपने आप को बहुत ही सहिष्णु बना करके प्रत्येक प्रकार से व्यक्ति अपने आप को समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में चिन्हित करता है, उसकी नवीं दृष्टि यहाँ जाएगी जो व्यक्ति के लाभ को मिनिमाइज और कमजोर करेगी, और निसंदेह मैं ये बात समझता हूँ कि वो धन के लिए थोड़ी अच्छी होने के बावजूद थोड़ी कमजोर भी स्थिति दिखा सकते हैं। वही बात अगर आप गुरु के डिग्री को करते हैं तो ये ठीक है, अवस्थान की कमजोर नहीं है, ये फल देंगे और जितना भी देंगे ये अच्छा ही देंगे, मतलब ये स्थिति कमजोर नहीं है। वो राहु के चपेट में आने से वहां पे थोड़ी सी कमजोरी होगी, 26 डिग्री के राहु, गुरु 12 डिग्री के, उनके बीच में भेद बहुत ज्यादा है, भेद है पर परिवर्तन में होने के कारण एक सामान्य जनित परिणाम देने वाले बन रहे हैं। इस कुंडली के लिए गुरु, सूर्य और मंगल, जिन तीनों में ही मंगल सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। कमजोर ग्रह के रूप में बुध, कमजोर ग्रह के रूप में शुक्र और कमजोर ग्रह के रूप में शनि जाने जाएंगे। इस कुंडली के लिए राहु भी सामान्यतया लग्नेश के लिए अच्छे नहीं होते, तो लग्नेश चूंकि उनका शत्रु होता है और तुला राशि में बैठ करके 50% अच्छा और 50% बुरा, जहां वो किन किन भावों के लिए अच्छा परिणाम देगा, तो तृतीय भाव के लिए मेहनती, कम्युनिकेटिव, दूर देश की यात्रा करना, धन के लिए बाहर जाने वाला, दाम्पत्य के सुख को अच्छे तरीके से उसको कंजर्व बना करके, उसको कंजर्व मतलब एक चौथा मतलब उसको सुरक्षित बनाने का, सुरक्षित माहौल देने का काम दाम्पत्य की स्थिति में बनाते हैं। वही राहु की स्थिति यहाँ अच्छी रहेगी, सामान्यतया थोड़ा बहुत उग्र व्यग्र होता रहे क्योंकि कंफ्यूजन भी बनता रहे, व्यक्ति सोचता भी ज़्यादा है, ये बात भी बन रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि अष्टम इसके साथ बैठे हैं। मैंने क्या बात बताई थी? अष्टम भाव के अधिपति के साथ या अष्टम भाव में अगर राहु का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचार करने वाला और बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला हो जाता है। वही गुरु और राहु की एक साथ दृष्टियां काम करेंगी, तो गुरु की दृष्टि जहां यहां के लिए लाभदायक नहीं थी, वही राहु की दृष्टि लाभ देने वाली बन जाएगी। मतलब राहु के अंतिम चरण की जो दशा है वो व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने वाली, आरंभ की जो दशा है वो लाभ प्राप्त करने वाली, अचानक ही लाभ दे दे, तुरंत आते ही लाभ हो जाए, मध्य की दशा थोड़ी कष्ट में गुजरने वाली और अंतिम की दशाएं लाभ दे के निकल जाती हैं। राहु की दशाएं ऐसी, अभी इनकी कुंडली में राहु की दशा आने वाली है 2026 से, अंतिम में 2026 के 12वें महीने के बाद। अब ग्रह के नक्षत्रों पे मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करके बता देता हूं। सूर्य
जिस नक्षत्र में बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, इसके आधार पर व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है और वो अनहेल्दी लाइफ जीता है, मतलब उसका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, चाहे उसका चित्त अस्थिर हो सकता है, वो चिंता में ग्रसित रह सकता है, वो परिणाम शून्य कई बार मेहनत करता है जहां उसके पराक्रम का संपूर्ण परिणाम कई बार नहीं मिलता है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र के व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको लाभ देगा पर खुद के लिए कई बार हानि कर लेता है। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं वहां व्यक्ति को साहसी और बहुत ही ज्यादा उदार मना न बना करके हिंसक, बहुत ज्यादा स्वार्थी, राजनीति करने वाला और अपने आप को लेकर के बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट का भी कई बार वो हो जाता है। जब अपने लाभ को देखता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों को नहीं सोचता। हालांकि वो उदार मना, जब वो देने पे उतारू होगा तो अपना संपूर्ण दान करने में भी कभी राजा बलि की तरह हिचकिचाहट नहीं रखता है। ये मंगल के कारण उसके अंदर ये एक नेचर आने वाली स्थिति में जा सकती है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को धार्मिक, पुरोधा, धर्मज्ञ, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, मंत्र जप करना, दुश्मनों के लिए लड़ करके एक साथ बुध की दशा में व्यक्ति कभी हारे नहीं, उसके वाणी का प्रभाव बढ़ जाए, उसकी याददाश्त क्षमता अच्छी हो, उसके तर्क अच्छे हों, उसके बुद्धिमानी के जो है वो गीत गढ़े जाते हों, ऐसी स्थिति बनती है और किसी भी तरीके से अपना यश वो प्राप्त कर ही लेता है क्योंकि मंगल की मित्र की दृष्टि यहां पड़ रही है, उसके मेहनत का संपूर्ण परिणाम उसको मिल जाता है। बुध के बाद गुरु, स्वाति और विशाखा के राहु, ऐसी स्थितियां उसको धार्मिक क्षेत्रों में कई बार लाभ तो देती हैं पर भाग्य के लिए थोड़े से असमंजस की स्थिति में ले जाकर के खड़ा कर देती हैं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी के, ये स्थिति अच्छी होगी क्योंकि सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में लग्नेश होते हैं पर व्यय और आय बना रहेगा, आप इसको कमजोर और इसको कम नहीं कर सकते। ये आपकी कुंडली में राहु और केतु के बारे में अगर विचार करें तो राहु त्रिक भाव में बैठे हैं जिसके अधिपति लग्न में बैठे हैं। आप जरा ध्यान से समझिए तो लग्नेश होने के साथ साथ सूर्य जो है वो अगर 12वें गए तो लग्न थोड़ा बहुत कमजोर तो जरूर हुआ और निसंदेह अगर आप चतुर्थ भाव के अधिपति को देखते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ को देख रहे हैं, इसका मतलब व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन, माता पिता इन सब चीजों का सुख भोग लेता है और केंद्र में जो राशियां बनी है, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, आप लोगों का ध्यान भटके नहीं, केंद्र में जो राशियां बनी है वो सब स्थिर राशियां बनी है। मैंने क्या सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के केंद्र में 2, 5, 8, 11 यानी कि स्थिर राशियों का निर्माण होता हो तो जातक को धन कमाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, पर वस्तुतः यहां पे जो स्थिति बन रही है वहां पे व्यक्ति को बाहर जाना ही पड़ता है। गुरु राहु के साथ चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ को वापस व्यक्ति घूम करके अपने देश आ जाए। और एक बात और बता दूं तो जब तक व्यक्ति के शरीर में प्राण है, जब तक वो कमा सकता है अपने बल पर, तब तक वो बाहर ही रहे। लग्न में शुक्र बैठे हैं, व्यक्ति को कभी भी दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता है और ना वो किसी दूसरे से धन कमाने के लिए लालायित रहता है या चाहता है कि मुझे कोई दे, उसको किसी के द्वारा प्राप्त कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, वो स्वयं के द्वारा जनरेट किया हुआ धन ही खाता है और स्वयं के उपार्जित, स्व उपार्जित धन से ही व्यक्ति अपने परिवार को पुष्ट रखता है। पर वस्तुतः इस कुंडली में 2-3 समस्याएं जो मैं देख रहा हूं, व्यक्ति कुटुंब से हमेशा ही नुकसान में रहेगा, द्वितीय भाव के अधिपति का 12वें जाना और द्वितीय भाव के ठीक आगे गुरु राहु का बैठना, भाग्य में कभी कभी असहयोग की स्थिति गुरु और राहु के कारण बन सकती है, चंद्रमा और केतु के कारण बन सकती है। इस कुंडली में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और उग्रता हमेशा रहेगी, उसको कम करना, वो स्वास्थ्य और स्वभाव के अनुकूल और उम्र के हिसाब से वो ढलती जाएंगी चीजें, इतनी सी बात है। इस कुंडली को और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में त्रिक भाव में, ये ठीक नहीं होता, जहां यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, क्योंकि केतु की दृष्टि यहां पड़ रही है तो मंगल भी देख रहे हैं। इस भाव के अधिपति राहु और केतु के संपर्क में तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, व्यक्ति के जीवन में समरसता का माहौल, व्यक्ति के जीवन में मेहनत करने के बाद परिणाम, व्यक्ति के जीवन में पुत्र संतति का लाभ, ये सब थोड़ी थोड़ी व्यक्ति के जीवन में जो भी चीज जिसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिलता है। अगर संबंधों को देखते हैं तो सूर्य और शनि का संबंध जो बना है वो षडाष्टक का बना है। तो सूर्य और शनि कौन है? सूर्य है लग्नेश और शनि है सप्तमेश, यानी कि सप्तम और लग्न के अधिपति का षडाष्टक में जाना ये विचार करवाता है कि दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को विवाह कभी भी मिला करके ही करना है। दशम स्थान के मंगल का प्रभाव जब यहां रहेगा, लग्न में शुक्र की स्थिति, व्यक्ति की पत्नी कई बार संदेह करने वाली आ सकती है क्योंकि केंद्र में दो दो। अब एक बात और भी है जो अच्छी है इस कुंडली के लिए जो बताना चाहिए, केंद्र में शुभ ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं करते,
लेकिन केंद्र में पापक ग्रह अपने पापक प्रभावों को कमजोर कर देते हैं। अगर डिग्री के आधार पर देखते हैं तो शनि जिस डिग्री पे बैठे हैं उसके आधार पर 17 डिग्री पर वक्री हैं। इस वजह से कई बार ये दांपत्य में सवाल भी पैदा करेंगे, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यह भी हो जाती है कि यहां ये अपनी राशि के बैठे हैं शतभिखा नक्षत्र में, जिसका अधिपति राहु उन्हें देख रहा है। लेकिन ये अपनी राशि को देख रहा है, इस वजह से यहां पे एक कमजोरी होने के बावजूद एक अच्छाई भी देखने को मिलेगी। जैसे ही राहु में शनि आए, शनि में राहु आए, तो दांपत्य पे एक सवाल भी खड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो आप वक्त पार कर लेंगे तो निसंदेह वो चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब वो उसे कमजोर, हाँ, आप लोगों में बातचीत कम हो सकती है, उस गैप को, मतलब वो जो कम्युनिकेशन का गैप होगा उस दौरान दाम्पत्य में, उसको आप पाटने का भरसक प्रयास कर देना, और निसंदेह ये कार्यक्रम अपने पत्नी के साथ भी बैठ करके देख लेना जब वक्त पूरा हो तो। वक्त बुरा, अभी आज ही मेरी बात किसी से हो रही थी, नाम है उनका संदीप, वो हैं दरअसल पंजाब की हैं शायद, तो उनके पति से जो है वो उनका जो है वो थोड़ा सा झगड़ा हुआ और 10 दिन के अंदर ही उनके पति ने डिवोर्स जो है वो फाइल कर दिया। इस तरह के केसेस बहुत आते हैं, तो मैंने बात कही कि ये 2023 के चौथे महीने तक चलेंगी ये सारी चीजें, आप इस चीज को पाटने का प्रयास करो, कम करो, और हो सके तो थोड़ी दूरी बना लीजिए। जैसे ही ये वक्त बीतेगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। वो व्यक्ति हो सकता है तो वापस ले ले, क्योंकि बातचीत अगर हो रही हो या नहीं भी हो रही हो तो भी हमें तोड़ने से पहले बचाने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रह अगर तोड़ने जैसी परिस्थिति पैदा कर रहा है, और अगर ज्योतिष के ग्रह अगर ये इशारा कर रहे हो कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमने ज्योतिष से सीखा क्या, क्योंकि अगर ज्योतिष जैसी विद्या अगर ये बताती है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो हमें जितना ज्यादा हो सके उसको चश्मे लगा करके उस चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए, हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें ये बात भी गौर से समझने की आवश्यकता है कि हम कितना उसको बचा सकते हैं, अपना पूरा एफर्ट जो है वो हमें बचाने पर ही लगाना चाहिए। तो ये बात बनती है, ये आपकी कुंडली है जो निसंदेह एक अच्छी कुंडली साबित हो सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति अगर यहाँ नहीं गए होते, तो राहु के साथ नहीं बैठे होते, तो ये और भी अच्छी बात हो सकती थी। चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण में नहीं गए होते तो ये और भी अच्छी बात हो सकती थी। छठे भाव के अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को नहीं देख रहे होते तो ये और भी अच्छी बात हो सकती थी। मंगल जन्म कुंडली में शुक्र को नहीं देख रहे होते तो ये और भी बात अच्छी हो सकती थी। सूर्य और बुध अगर 12 में नहीं बैठे होते तो ये और भी बात अच्छी हो सकती थी। अगर यही सूर्य और बुध लग्न में बैठ गए होते तो ये और भी अच्छी बात हो सकती थी। यही गुरु अकेले यहाँ या यहाँ बैठ गए होते, या यहाँ बुध के साथ बैठ गए होते, या चंद्रमा के साथ बैठ गए होते तो अच्छी बात हो सकती थी। अगर यही शनि यहाँ पे शुक्र के साथ बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। यहाँ पे चंद्रमा अकेले बैठ जाते या गुरु के साथ बैठ जाते तो ये और भी अच्छी बात हो सकती थी। मंगल यहाँ सूर्य के साथ बैठ जाते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। एकादशवें भाव में राहु शनि के साथ बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। ये चीजें हो सकती थी जो नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थक गया, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।